Hello everyone, welcome back to House of Anabolics. My name is Riyaz Khan and we are back with new video. आज का हम वीडियो कर रहे हैं हमारे पिछले सारे टॉपिक से बिल्कुल हटकर डाइट के ऊपर. इस पूरी एक सीरीज करेंगे डाइट की, जिसमें हम डाइट्स के सारे बेसिक्स से एडवांस तक लेकर जाएंगे. डाइट को पूरे उन सारे बेसिक्स को कवर करेंगे जो एक प्रोफेशनल डाइटिशियन भी सीखता है. साथ ही साथ जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी साइंस बेस्ड होंगे, यानी कि आप चाहें तो किसी की भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी. और बिल्कुल भी इस सीरीज में आपको मैं कोई खाना बनाकर या खाना खाकर नहीं दिखाने वाला हूँ कि ये देखिए आज मैं इसकी डाइट फॉलो कर रहा हूँ और आज मैं उसकी डाइट फॉलो कर रहा हूँ और उससे मेरी बॉडी बन रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. जो भी इस वीडियो की सीरीज में रहेगा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा गहरी साइंस में डूबना पड़े. सारी चीज़ें मैंने बहुत बेसिक और बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किए हैं ताकि लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आए कि एक्चुअल में डाइट में होता क्या है, कैसे करी जाती है, वो सारे इश्यूज आपके क्लियर होंगे जो डाइट को लेकर आपको रहते हैं. गाइस, अब हम इस पूरी सीरीज में किन किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है हमारी वो पांच चीज़ें जिनके ऊपर हम बात करेंगे इस पूरी की पूरी सीरीज में, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आती है कैलोरी, यानी कि कैलोरी बैलेंस कैसे किया जाता है, कैलोरी होती क्या है, कैलोरी कैसे काम करती है, कैलोरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे. दूसरे नंबर पे आता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि वो फूड जो आप लार्ज स्केल लार्ज अमाउंट में एक बार में कंज्यूम करते हैं वो कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसमें कैलोरी काउंटिंग की जाती है और वो होते क्या हैं. यानी बेसिकली जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आपका आता है प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, तो इन तीनों का बैलेंस कैसे किया जाता है और इन सब चीजों को कैसे सेट किया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट वाले पार्ट में. इस सीरीज में हम आगे बात करेंगे फूड टाइमिंग्स के ऊपर कि खाना कब और कैसे कंज्यूम किया जाए, क्या सही टाइमिंग है फूड को कंज्यूम करने की, कैसे किया जाता है और वो उसको क्यों इस तरह से टाइम पे सेट किया गया है, उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे. आगे हम और बात करेंगे इसमें फूड कंपोजिशन के ऊपर. लास्ट हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के ऊपर, वो कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं जो आप अपने डाइट में रख सकते हैं, कौन से फायदे वाले हैं, कौन से नुकसान वाले हैं. तो बहुत ही एक्सटेंसिव सीरीज होने वाला है, सब चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. तो चलिए तो फिर एक नई सीरीज की तरफ बढ़ते हैं. इस वीडियो में हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ से. सबसे पहला टॉपिक है हमारा कैलोरीज. आपने बहुत बार सुना होगा लोगों से कि कैलोरीज ऐसे लेते हैं वैसे लेते हैं, कैलोरीज ये है कैलोरीज वो है. अगर बात करते हैं व्हाट इज कैलोरी, कैलोरी होता क्या है. कैलोरी का मतलब होता है एनर्जी. अब खाने में एनर्जी का मतलब यह है कि जो भी आप चीज़ें खाते हैं, जैसे कि आपका नॉनवेज और वेज फूड हो गए, जैसे कि चिकन और इस तरह के प्लांट फूड हो गए, पनीर हो गया, इन सब बेसिकली होता क्या है, इन सब के अंदर होती है एनर्जी. तो एनर्जी जो आप कंज्यूम करते हो इस बेसिकली वही होती है कैलोरी, जो उसके अंदर बसी हुई एनर्जी है उसको हम एज अ कैलोरी मानते हैं. तो अब जरा इसकी थोड़ी सी साइंस की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअल में जब आप किसी फूड को कंज्यूम करते हो तो होता क्या है. यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक अच्छी खासी मील ली है जिसके अंदर रोटियां हैं, थोड़े से राइस हैं और पनीर की सब्जी है और उसके अंदर दो चार चीज़ें हैं, आपका सैलेड है, एग्स हैं. तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी एक मील के अंदर रखी और सब कुछ को कंज्यूम. जब आप ये चीज़ें कंज्यूम कर लोगे तो होगा क्या है कि बॉडी सबसे पहले जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है उसके अंदर से आपके लिए करंट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी, यानी कि करंट कैलोरी रिक्वायरमेंट को निकालेगी, जिसमें आपके जो करंट कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है आपके मूवमेंट्स के लिए, जैसे कि आपका चलना फिरना बोलना घूमना बातें करना, आपके ऑर्गन्स का चलना, जो भी चीज़ें होती हैं डेली मर्रा में, आपकी वेट लिफ्टिंग भी करंट कैलोरी का काउंट होती है. जो भी आप करंटली जो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो, हाथ हिलाने से लेकर बातें करने तक, सब कुछ आपकी करंट कैलोरी के ऊपर मैटर करता है. सबसे पहले आपको करंट कैलोरी सप्लाई की जाती है जो उस समय नीड होती है, बाकी बची हुई कैलोरी जो होती है वो आपके मसल्स और लिवर के अंदर स्टोर की जाती है. हमारी बॉडी इस कैलोरी को स्टोर करती है मसल में और लिवर के फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि वो एज अ ग्लाइकोजन आपके मसल के अंदर और लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है फॉर लेटर यूज. तो जैसे ही आपको बाद में जरूरत पड़ती है तो वहां से आपको मिल सकता है. जब वो ग्लाइकोजन स्टोर फुल हो जाते हैं होती हैं, यानी बची हुई जो एनर्जी होती है उसको बॉडी स्टोर कर लेती है एज अ फैट फॉर लेटर यूज. तरह ये एनर्जी स्टोर हो रही है हमारी बॉडी में उसी तरह कंज्यूम भी होती है, यानी कि सबसे पहले आप अपनी करंट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने आप ग्लाइकोजन स्टोर्स का यूज करते हैं, जो वो डिप्लीट हो जाते हैं तब आपकी बॉडी यूज करती है आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट को.
पर आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कैलोरी होती क्या है। हम आगे बात करेंगे कि कैलोरी को बैलेंस कैसे किया जाता है, जो कि आपने भी काफी सुना होगा कैलोरी बैलेंस करो, कैलोरी सही से खाओ, कैलोरी ये करो। तो मतलब इसका होता क्या है? बेसिकली होता क्या है कि कैलोरी की तीन अपनी स्टेट होती है, जिसके अंदर आती है सबसे पहली स्टेट नेगेटिव कैलोरी, फिर पॉजिटिव कैलोरी, उसके बाद न्यूट्रल कैलोरी। तो जैसा कि इनका नाम है, इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये इनका क्या मतलब है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर हम बात कर रहे हैं वेट गेन की या मसल गेन की, तो हमें पॉजिटिव कैलोरी में जाना पड़ेगा, यानी कि हमारी जो कैलोरी की जो रेशो है वो कैलोरी सरप्लस जो आपने सुना होगा वो होगी, यानी कि आप जो भी कंज्यूम करोगे उससे कम बर्न करोगे या जो आप बर्न कर रहे हो उससे ज्यादा आप कंज्यूम करोगे, तो आप कैलोरी सरप्लस में चले जाओगे या पॉजिटिव कैलोरी में चले जाओगे। अब नेगेटिव कैलोरी की बात आएगी तो बात होगी कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा बर्न कर रहे हो। तो जब आप इस फेज के अंदर आओगे, यानी कि जब इस स्टेट को टच करोगे, तो आपकी बॉडी वेट को लूज करेगी, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कंजम्पशन ज्यादा है और सप्लाई कम है। दूसरी तरफ आता है न्यूट्रल कैलोरी, यानी कि एक ऐसी कैलोरी की स्टेट जिसके अंदर आप जितना खा रहे हो उतना ही बर्न कर रहे हो, यानी कि आप इक्वल हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गए हो। इसको अचीव करने में लोगों को सालों साल लग जाता है, ये वाली स्टेट बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं, न्यूट्रल कैलोरी बैलेंस। मगर देखा गया है कि अगर जो लोग काफी प्रोफेशनल हो जाते हैं डाइट के अंदर, तो एक टाइम पर आकर वो न्यूट्रल कैलोरी बैलेंस को भी अचीव कर लेते हैं। वो ऐसी स्टेट पर पहुंच जाते हैं जहां वो अपनी बॉडी को एक ही स्टेट पर रोक देते हैं, ना ही वो बढ़ती है ना ही वो घटती है। आज की इस कैलोरी वीडियो को मेरे रुकते हैं, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो आल्सो, एंड एंजॉय योर फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।